हे गाइस वेलकम टू स्पार्टन सब्स, आई होप कैसा अच्छे होंगे। सो गाइस जैसे कि आपको पता है कल हम लोग का पबजी मोबाइल 1.7 का ऑफिशियल अपडेट, और आपको पता है एक दिन पहले ही हम लोग का कंप्लीट 1 से लेकर 50 RP तक दोनों मंथ का आपको रॉयल पास देखने को मिलता है। तो फाइनली पहला मंथ का हम लोग का रॉयल पास रिवॉर्ड आ चुका है कंप्लीट लीक होके मंथ 5 का। तो चलो आज के वीडियो में कंप्लीटली देखने वाले कि ये रॉयल पास कैसा आपको लगने वाला है, और डेफिनेटली आप अपना ओपिनियन शेयर करना। मुझे तो ये रॉयल पास काफी ओपी लगा, तो थैंक्स टू मैट तमीजा जिन्होंने मुझे ये लिंक प्रोवाइड किया। उनका चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर सपोर्ट दिखा सकते हो। पहले ट्रेलर देख लो। ओके, आई होप अपने कंप्लीट जो ट्रेलर है वो देख लिया होगा। चलो एक एक करके सब लेवल का हम लोग रिवॉर्ड देख लेते हैं, ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करना। तो ये रहा हम लोग का मंथ 5 रॉयल पास 1 से लेकर 50 RP तक का रिवॉर्ड, और ये एक से बढ़कर एक रिवॉर्ड आपको ये वीडियो में देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप टीयर रिवॉर्ड देख पा रहे हो, C1 S3 मार्क्स, और मैं आपको ये पहले ही दिखाया दिया था, बट आपको कैरेक्टर के ऊपर कैसा लगा आप देख पा रहे हो। उसके बाद आप देख पा रहे C1 S3 कवर, ये वुडन थीम का आप देख पा रहे हो इसका रिवॉर्ड। उसके साथ साथ आप देख पा रहे इसका आउटफिट C1 S3 सेट, और ये काफ़ी अच्छा लगा, बहुत लोगों को काफ़ी अच्छा लगने वाला ये आउटफिट, हॉर्स वाला आउटफिट है, और बोल सकते हैं वुडन टेक्सचर के साथ। उसके साथ साथ डायमंड टीयर में भी अच्छा रिवॉर्ड इस बार दिया, क्योंकि नया स्किन आपको देखने को मिला हुआ है DBS का स्किन। कमेंट करना कैसा लग रहा है DBS का स्किन, वो तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा इसका टेक्सचर, और बहुत कम ही DBS का स्किन है जो एक रिडीम शॉप में। उसके बाद ये दिखाई दे रहा है, ये देखो C1 S3 का एस पैरासूट, करंट जो C1 S2 का जो पैरासूट है उससे तो लाख गुना अच्छा ये आपको दिखाई दे रहा है, Cycle 1 Season 3 का पैरासूट। उसके बाद अभी हम लोग Season 1 RP मंथ 5 का रिवॉर्ड देख लेते हैं 1 से 50 RP तक का। कमेंट करना कैसा लगा और आप अपना ओपिनियन शेयर करना। तो भाई एक से बढ़कर एक स्किन आपको RP रिवॉर्ड में मिलने वाला। इधर आप देख पा रहे हैं Rank 1 मतलब मंथ 5 का Level 1 में आप देख पा रहे हो लिथल क्रिप्स्टर सेट आपको दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी OP सेट लग रहा है। उसके साथ साथ मेरा फेवरेट गन, वन ऑफ द फेवरेट गन, गार्डियन MK47। लिटरली ये गन बहुत लोगों को पसंद है, क्योंकि इसका स्किन बहुत रेयरली किसी के पास होगा, और फाइनली मेरे पास पहला स्किन आने वाला है गार्डियन MK47। वो उसका सेकंड RP में आप देख पा पोर्टेबल क्लोजेट, उसका RP बैच। इस बार रैंक 5 में आपको दो चीज़ दिखाई दे रहा है, हेडगेयर दिखाई दे रहा है लिथल क्रिप्स्टर कवर, एंड उसका हेडगेयर जोकर वाला सेट मिल रहा है इनडायरेक्टली। कैसा लगा कमेंट करना, मुझे पता था मंथ 5 का रॉयल पास जो है ना वो एक नंबर करने ही वाला है, क्योंकि भाई इसका कॉम्पिटिशन हमें पता ही है। खैर ये जो आउटफिट आप देख पर इसका हेडगियर, उसके साथ साथ जो मार्क्स है, डेफिनेटली OP होने वाला है। ये मार्क्स आप बहुत सारे आउटफिट में पहना सकते हो, और बहुत लोगों को जोकर का आउटफिट काफ़ी अच्छा लगता है, जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते उन लोग के लिए तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये इजीली अफोर्डेबल है और आप इसको रख भी सकते हो हमेशा हमेशा के लिए। कमेंट करना आपको कैसा लगा जोकर सेट, ये थर्ड वाला जोकर सेट हम लोग बोल सकते हैं। उसका Rank 10 में आप देख पा रहे हैक्स टेक क्रिस्टल बैकपैक हम लोग को मिलने वाला, तीनों लेवल आपको मैं बाद में दिखा दूंगा। फिलहाल के लिए मुझे इसका टेक्सचर नेक्स्ट लेवल वाला लगा, बहुत ही रेयरली ऐसा OP वाला आपको बैकपैक मिलेगा। उसके बाद आप देख पाए रैंक 15 में आपको जो फ्री इमोट में दिखाया था वो इमोट आपको दिखाया जाएगा, उसके साथ साथ हैशटैग ऑर्नामेंट भी मिलने वाला, और एक अवतार रैंक 15 में जो आपका आउटफिट मिलने वाला उसका अवतार आपको दिखाई दे रहा, और फ्री जो इमोट है मैं आपको पहले ही दिखा दिया था, और ये इमोट भाई विक्टर के ऊपर तो कैसा लगा था कमेंट किए थे आप सबने, तो भाई ये नेक्स्ट लेवल वाला टैप मार रहा, और विक्टर चाचा के तो ऊपर और अच्छा लगने वाला ये वाला इमोट, ठीक है। उसका हम आगे बढ़ते हैं, तो इधर आप देख पा रहे हो कि हम लोग 20 लेवल में कुक्ड प्लस मचेटी मिलने वाला है। मचेटी का लुक भी काफ़ी OP मुझे लगा है, और भाई ये कार्ड्स वाला मचेटी आप देख पा रहे हो कितना OP लग रहा है। उसका रैंक 25 में एक आउटफिट मिलने वाला है पॉलीमिट आउटफिट, ये आपको फ्री रिवॉर्ड में मिलने वाला है 25 लेवल में, और ये भी अच्छा लग रहा है। इस बार फ्री आउटफिट भी अच्छा दिया गया है, तो मतलब ये लोग जानबूझ के इतना OP वाला रॉयल पास बनाया, और मुझे मंथ 6 का भी रॉयल पास में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि वो तो विंटर थीम वाला है भाई, मज़ा आ गया लिटरली इसमें इन्वेस्ट करना बनता ही है। उसके साथ साथ आप देख पा रहे हो वापस आपको 60 UC वाउचर मिल जाएगा, वही बैकपैक वाला लुक में आपको अनयील्डिंग लैंड फिनिश दिखाई दे रहा है, ये वाला एरोप्लेन का स्किन भाई, ये भी एरोप्लेन का फिनिश काफ़ी अच्छा, खाली पीछे से थोड़ा सा ट्रेल निकल जाता ना और भी अच्छा लगता। उसके साथ साथ मिथिक जो इमोट मिलने वाला वो भी आप देख पा रहे हो, एक क्रिस्टल आपको दिखाई दे रहा, थोड़ा बहुत आपको वो जो जिसके साथ कोलैबोरेशन होने वाला उसका ही थीम में दिखाई दे रहा, और ये आप दिखाई दे रहा कितना अच्छा एनिमेशन है। ओके देखो
तो ये जो इमोट आप देख पा रहे हैं ये भी काफी ओपी है, वनगार्ड इमोट भी आप उसको बोल सकते हो, जो कि लेवल 50 में जो आउटफिट मिलने वाला है उसमें काफी अच्छा लगने वाला। उसके बाद बहुत अच्छा एक फ्री गन स्किन मिलने वाला है, एंसन स्टैचू S686, कैसा लगा कमेंट करना। इस बार जो फ्री बोल सकते हैं रिवॉर्ड है वो भी काफी ओपी है, जो जो बंदे रॉयल पास नहीं परचेस करेंगे उन लोग के लिए बहुत ही अच्छा आउटफिट। उसके साथ साथ गन स्किन भी देख पा रहे हो कितना अच्छा टेक्सचर दिया गया, फालतू का स्कॉर्पियन नहीं दिया गया, ये गन भी बहुत लोग यूज करते हैं, नॉट बैड। उसके साथ साथ आप देख पा रहे हो फाइनली 40 लेवल में कार 98, जो दो गन का रिक्वायरमेंट था वो दोनों गन दे दिया गया है रिवॉर्ड में। तो गार्डियन कार 98 के दिखाई दे रहा है, ये भी काफी ओपी लग रहा है, वन ऑफ द बेस्ट कार 98 स्किन हो सकता है अपग्रेडेबल के बाद। तो ये कैसा लगा कमेंट करना, आप अपना ओपिनियन डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में शेयर करना, ठीक है। उसके बाद देख पा रहे 45 लेवल में शायद हम लोग को 7 दिन का रूम कार्ड मिलने वाला है, जैसे कि आप देख पा रहे आपकी स्क्रीन में। ओके, और एक चीज आपने नोटिस के पुराना वाला स्क्रैबी हम लोग को मिल रहा है, ठीक है ना। उसका रैंक 50 में आपको वैनगार्ड कवर और उसका पूरा सेट दिखाई दे रहा भाई, ये तो भाई बहुत ही ओपी आउटफिट है। अगर मंथ 3 का जो आउटफिट है 50 लेवल उससे तो इसको कंपेयर भी नहीं कर सकता, बहुत ही ओपी लग रहा है, उससे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अभी मैं थोड़ा सा और भी लिक्स दिखाने वाला हूँ, चलो आगे बढ़ते, इसका इमोट भी देख लो इसके साथ तो और अच्छा लग रहा है ये आउटफिट के साथ। उसके बाद एक बार हैशटैग क्रिस्टल का बैकपैक आपको मिल रहा था, वो आपको ये दिखाई दे रहा है। इस बार मैं बता देता हूँ जो व्हीकल स्किन है वो आपको उसके अंदर मतलब आरपी एडवेंचर में मिलने वाला है, और ये हैशटैग क्रिस्टल आप बैकपैक देख पा रहे हो ये भी काफ़ी अच्छा है, जो कि आपको रैंक रिवॉर्ड में मिलने वाला है। और ये जो बाइजन का स्किन देख पा रहे हो ना, ये भी आपको आरपी एडवेंचर में मिलने वाला है। और ये जो आउटफिट आप देख पा रहे हो ये भी आउटफिट आपको आरपी एडवेंचर में ही मिलने वाला है। एलाइट सूट आपको दिखाई दे रहा है, एलाइट सूट तो मुझे रैंक रिवॉर्ड में दिखा नहीं, ये भी आउटफिट काफ़ी ओपी लग रहा है। तो डेफिनेटली इसके ऊपर हम लोग जा सकते हैं, इसका कॉस्ट हम लोग कुछ दिन में पता कर लेंगे, अगर कॉस्ट हम लोग का कंट्रोल में रहा तो डेफिनेटली इसको ट्राई करेंगे, क्योंकि मैं मंथ टू में ट्रायो का स्किन लिया था, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई ट्रायो का स्किन, ओ भाई ये भी अच्छा लग रहा है। बट मेरे पास है वोला सेल वाला तो मैं इसको इग्नोर ही करूंगा, बाइजन को भी इग्नोर करूंगा, आउटफिट के लिए जा सकते हैं, आउटफिट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें 4 में से 3 चीज़ आपको आरपी एडवेंचर में देखने को मिलेगा, और बैकपैक तो आपको मैं रैंक रिवॉर्ड में दिखा दिया। फिलहाल के वीडियो को इतना रखते हैं, मंथ 6 का जैसे आरपी लीक होकर आता तो मैं वापस से एक और वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।